वाहिद महीना कि जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वाहिद महीना जिसका नाम अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है, 12 महीनों में से ये एक महीना है, शहरु रमज़ान, रमजान का महीना। और फिर रमजान का महीना कि जिसकी अजमत क्या है, फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो महीना कि जिसमें रब की आखिरी किताब उतरी, खुदा का कलाम नाजिल हुआ, अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, वो कुरान के जिसे अल्लाह ने क्यामत तक के सारे इंसानों के लिए हिदायत बनाया, वो कुरान था। वबशिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और ये हिदायत की रोशन बातें हैं और हक़ो बातिल में फर्क कर देने वाली खुदा की किताब है। हक क्या है, दुरुस्त क्या है, गलत क्या है, ये उसे बताने वाली किताब। तो रमजान के नाम के साथ और उसकी फजीलत के साथ और उसके कुरान के साथ ताल्लुक के साथ अल्लाह ताला ने इस महीने का जिक्र किया। और इस महीने के साथ कुरान मजीद के नुजूल का तस्किरा 4 जगह पे है, यानी रमजान और कुरान, रमजान और कुरान, रमजान और कुरान, ये कुरान पाक में 4 मरतबा है। जैसे सूरह दुखान की आयत है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में उतारा। इस लैला मुबारका की एक तफसीर है शब बरात, कि शब बरात में था, लेकिन एक दूसरी बड़ी राचे तफसीर यह है कि इससे मुराद भी शब कद्र है जो माह रमजान में होती। तो एक तो यह आयत मुबारक, दूसरी आयत मुबारक जो भी पढ़ी के शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें भी कुरान और रमजान का इकट्ठा तज़किरा किया। तीसरी आयत मुबारक, वमा अन्ज़लना अला अब्दिना यौमल फुरकान, कि कुरान के जो हमने यौम फुरकान को नाजिल किया, और यौम फुरकान से मुराद है ग़ज़वा बद्र का दिन, और ग़ज़वा बद्र कब हुआ था, 17 रमजान। तो यहां पर भी यौमल फुरकान ये रमजान का दिन है, और उसमें फरमाया वमा अनज़लना, और जो हमने कुरान उतारा था, ये तीसरी आयत। और चौथी आयत मुबारक जो मशहूर आयत है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। तो अब ये देखें कि अल्लाह ताला दो चीज़ों को मिलाकर कुरान पाक में बार बार बयान फरमाता है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान और रमज़ान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और इसीलिए रमज़ान में ही तिलावत कुरान के साथ एक बतौर ख़ास इबादत को मुसलमानों के लिए मुकर्रर कर दिया गया, तरावी की इबादत। वरना क्या होता है कि रोज़े और दिनों में रख लो, और चूंकि रोजे की मुशक्कत पहले ही उठा ली है तो तरावी किसी और महीने में पढ़ लेना, को थोड़ा सा जरा रिलीफ उधर से मिल जाता, थोड़ा सा रिलीफ उधर हो जाता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि दिन में रोजे और रात में कुरान, क्यों? इसलिए कि रोजे तो रमजान में ही रखेंगे, जब रोजे रमजान में है और रमजान का ताल्लुक कुरान से है तो लिहाजा कुरान भी रमजान में पढ़ा जाएगा। तो रमज़ान और कुरान दोनों को मिला के बयान किया, और इसी वजह से इसी महीने में नबी पाक अलैहिस्सलाम कुरान मजीद का दौर फरमाते। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के अमल और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कुरान मजीद में नुज़ूल की हिकमत ये रमज़ान और कुरान को इकट्ठे बयान करती है। और इसीलिए जैसे दुनिया में रमज़ान और कुरान इकट्ठे हैं, क़यामत के दिन भी दोनों इकट्ठे होंगे। रमज़ान और कुरान क़यामत में भी इकट्ठे होंगे। हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन रमज़ान और कुरान दोनों बंदे की शफ़ात करेंगे, दोनों सिफारिश करेंगे। रमज़ान कहेगा कि या अल्लाह, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने और लज्जतों से रोक के रखा,
और ये मेरी वजह से दिन के वक्त अपनी ख्वाहिशा से दूर रहा, ए अल्लाह इसके हक में मेरी शफात कबूल फरमा। ये रमजान की शफात होगी। और दूसरी तरफ कुरान कहेगा कि ए मौला मैंने इसको रात को सोने से रोक के रखा, तो कुरान अर्ज करेगा, कुरान अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में शफात करेगा कि ए मौला मैंने इसे रात के वक्त आराम से और नींद से रोक के रखा, मेरी शफात इसके हक में कबूल फरमा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला दोनों की शफात कबूल फरमाएगा। तो रोजे रखने वालों को भी बशारत और तरावी वालों को भी बशारत। और कितनी बड़ी बशारत है कि खुदा का अजीम महीना उस बंदे के लिए शफात करेगा। और कुरान जो खुदा का कलाम है और कलाम खुदा की सिफत है, तो गोया खुद खुदा ही उस बंदे पर अपने तौर पे रहमत फरमा रहा होगा। कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तेरे रब ने अपनी जात पे रहमत को लिख दिया।